हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गौतमी। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, ये कटहल का एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। केरला में हम लोग इसको चक्का वेविच बोलते हैं, उबला हुआ। बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी, आप लोग घर पे जरूर पकाइए। ज़्यादातर इस रेसिपी को चावल के बदले में खाया जाता है, मछली करी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए, आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा कटहल लिया है, ये कच्चा है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ, ऑलरेडी मैंने काट के यहाँ रखा हुआ है। बीज मैंने निकाल दिया है, देखिए ये कच्चा है। अभी इसको पीस करेंगे, हम इस तरह दो पीस कर लेंगे, इस तरह। फिर इसको उबाल लेंगे, देखिए इस तरह काटना है छोटा छोटा में। इसको काट के फिर धो लेती हूँ। देखिए मैंने कटहल को अच्छे से धो के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, आप देख सकते हैं इस टाइप के। अभी इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि इसको पहले पका लेना है। थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें, पानी उतना ही डालेंगे जितना कटहल का बराबर मतलब पक जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, बराबर पकाना है। अभी गैस में बिठा देंगे हम। मैंने गैस ऑन कर दिया है, अभी ढक्कन लगा के एक 15-20 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मुझे अभी एक मसाला तैयार करना है कटहल का ये रेसिपी के लिए। इसमें मैंने लिया है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्ची, एक लहसुन, एक टीस्पून जीरा, हल्दी एक टीस्पून, नारियल आधा। इनका एक पेस्ट बनाना है। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम अभी कड़ी पत्ता, जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची सब डाल देंगे। नारियल और हल्दी भी डालेंगे इसमें। मैंने पूरा मिक्सी में डाल दिया है, पानी नहीं डालना है। बिना पानी का इसको रफ पेस्ट करना है, दरदरा मतलब फाइन पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने ऐसे दरदरा सा पीस लिया है मसाला को। अभी थोड़ा चेक कर लेंगे कटहल पका है या नहीं। अभी कटहल को चेक कर लेंगे पका है या नहीं पका। मैंने 20 मिनट पका लिया था, पानी भी सूख गया देखिए, और कटहल भी पक चुका है। अभी क्या करेंगे, इसमें जो मैंने मसाला पीसा था नारियल का वो डाल दूंगी। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम में है, हाई में मत रखिए नहीं तो जल जाएगा। अब ये डाल देंगे। ऐसे अच्छे से ढक के कटहल को मसाला के साथ एक 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पका लेंगे। ढक्कन थोड़ा बंद कर लेंगे। अभी चेक कर लूंगी मैं, देखिए अच्छे से पक चुका है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इस पे मैं 2 टेबलस्पून नारियल का तेल डाल रही हूँ। अगर नारियल का तेल आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग स्किप कीजिए इसको, घर पे ज़रूर पकाइए। बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी, हम लोग चावल के बदले में खाते हैं इसको। मछली करी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी परोस लेती हूँ।
अभी मैं परोस लेती हूँ। देखिए ये इस तरह से होता है, बहुत हेल्दी है, आप लोग घर पे जरूर पकाइए। और ये ज़्यादातर मछली करी के साथ खाते हैं, मीन करी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिए, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ कोई नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।